नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में आज हम बात करेंगे आज के मिथुन राशि के दैनिक राशिफल के बारे में लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में 16 अप्रैल 2021 शुक्रवार का दिन है और चैत्र मास शुक्ल पक्षी चतुर्थी तिथि है नक्षत्र है आज रोहिणी और अभिजीत मुहूर्त दोपहर ग्यारह बज के उनतालीस मिनट से लेकर दोपहर बारह बज के बयालीस मिनट तक रहेगा आज का सूर्योदय सुबह छह बजकर पांच मिनट पे और चंद्रमा गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि पे आज का जो अशुभ समय होगा वह सुबह सात बजकर उनचास मिनट से लेकर सुबह आठ बजकर बत्तीस मिनट तक रहेगा इस अशुभ समय में कोई भी शुभ और नए कार्य की शुरुआत ना करें नहीं तो विघ्न बाधाएं आ सकती है अब बात करते हैं आज के मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की और यह प्रोडक्शन चंद्र राशि पर आधारित है मिथुन राशि की को जब भी किसी नए कार्य की शुरुआत करना है तो आप अभिजीत मुहूर्त में किया करें हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही अभिजीत मुहूर्त बता देते हैं मिथुन के जातकों आज चार बड़ी खुशखबरी मिलने के योग बन रहे हैं आज आपके कैरियर में सफलता के योग मिल रहे हैं हालांकि आज, आज आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा मिथुन राशि के जातकों आज के दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तम रहेगा कई ऐसे चांसेस मिलेंगे आपके करियर में जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे कुछ यानी जो आपके रुके हुए थे काम पेंडिंग थे वह आज पूरे होते दिखाई देंगे मिथुन राश के जातकों आज विद्यार्थियों की तरफ से देखें तो कम मेहनत में अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन फिर भी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे पढ़ाई लिखाई पे मिथुन राशि के जातकों आज के दिन हालांकि आज अच्छे रिजल्ट की तरफ अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और मन लग रहा है पढ़ाई लिखाई पे और अगर किसी खास रिजल्ट आने के इंतज़ार में है मिथुन राशि के जातकों तो ये आपके लिए पहली बड़ी खुशखबरी जो आपके यानी फेवर में आती हुई दिखाई देगी आज कुछ आपके जीवन में नयापन दिखाई देगा मिथुन राशि की याद को और यह नयापन आपके करियर में भी हो सकता है बिजनेस व्यापार में और आपके घरेलू जीवन पर भी कोई अगर आपका कोर्ट कचहरी के का के मामला केस चल रहा था मिथुन राशि की याद को तो आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई देगा यह आपके लिए दूसरी बड़ी खुशखबरी है मिथुन राशि के जातकों आज के दिन और आज आपके जो कुछ निर्णय होंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे कोई भी निर्णय लेंगे मिथुन राशि राजकी को बेहतर निर्णय लेंगे और कारोबारियों के लिए भी अच्छा रहेगा जो व्यवसाय करते हैं कारोबार करते हैं कारोबार का विस्तार करते हुए नजर आएंगे यदि आप बिजनेस भी का विस्तार करना चाहते हैं मिथुन राशि राजकी को आज के दिन तो आपका भविष्य में इसका फ़ायदा भी होगा सोच समझ कर करियर एक्सपर्ट से सलाह लें और अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सलाह लें फिर पैसा लगा सकते हैं इससे आपके इनकम के स्रोत बढ़ेंगे मिथुन राशि के आपको आज के दिन आपको बेफिसुल खर्चों से भी बचना होगा और आप ज़मीन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं आज आज के जो समय होगा मिथुन राशि के आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा पिता का साथ मिलेगा और या फिर जमीन प्रॉपर्टी संबंधित बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं पिताजी के द्वारा धन लाभ हो सकता है पिताजी आपके काम में सहयोग दे सकते हैं फंसा हुआ रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा मिथुन राशि के आपको आज के दिन और आज परिवार के लिए आप कुछ ज़्यादा समय निकालते हुए नजर आएंगे परिवार के साथ घूमते फिरते हुए नज़र आएंगे कुछ एन्जॉय करते हुए नजर आएंगे आपके घर परिवार में मिथुन राशि के जा जो सिंगल हैं मिथुन राशि वालों वो निश्चित तौर पे आज शादी विवाह की चर्चाएं हो सकती हैं आज, आज आपके घर में और आज आपके घर में यानी स्थितियाँ काफ़ी अच्छी है वैवाहिक जीवन के मामले में भी अच्छा है और आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ हैं मान सम्मान एक दूसरे को मिल रहा है एक दूसरे का मान सम्मान दे रहे हैं वहीं एक दूसरे का साथ मिलेगा और कोई भी कार्य करेंगे तो एक दूसरे सलाह जरूर लेंगे और कंधे से कंधे मिला के आपके जीवन साथी आपके साथ हैं मिथुन राशि याद को आज के दिन तीसरी बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है संतान को लेकर जी हाँ मिथुन राशि की याद को संतान को लेकर तीसरी बड़ी खुशखबरी आज आपको मिलेगी और आपस में ज़्यादा खुशियां हैं एक दूसरे को आप अपनी यानी कि कीमती बातें शेयर कर सकते हैं पुरानी बातों में खो सकते हैं और चूंकि बाहर आने जाने का इसमें बिल्कुल कहीं नहीं है घूमने फिरने से बचना होगा और नियमों का पालन करें और कहीं भी ना घूमें बागे बल्कि अपने घर पर रहें सेहत का ध्यान दें क्योंकि अगर सेहत फिट है तो सब कुछ ठीक है धन तो आएगा ही धन की चिंता नहीं रहेगी मिथुन राशि के जातक इसलिए आपको बाहर ना जाए परिवार के साथ घर पर ही समय व्यतीत करें वैसे भी घर परिवार के लिए योग बन रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते हुए नजर आएंगे मिथुन राशि के जातक और प्रेम जीवन की बात करें तो लव लाइफ आपकी खूबसूरत है लव पार्टनर के साथ एक दूसरे के साथ यानी कि हंसते खेलते हुए समय व्यतीत करेंगे एक दूसरे का साथ मिलेगा दिल में छुपी हुई बातों को शेयर कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ तो ये जो समय रहेगा मिथुन राशि के तो वो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी खुद के बारे में भी निर्णय ले सकते हैं आप अपने पार्टनर के बारे में भी कुछ सोच सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर कर सकते हैं और घूमने फिरने से बचना होगा कुछ गिफ्ट या उपहार देने की कोशिश करेंगे हालाँकि इसमें शॉपिंग कर सकते हैं कुछ कपड़े वगैरह ख़रीदारी कर सकते हैं अपने पार्टनर को बात करें अगर कर सेहत की तो मिथुन राशि के जातक तक यहाँ पर सेहत को लेकर थोड़ी चिंताएँ हो सकती हैं आपके बारहवें भाव पर चंद्रमा का गोचर है और बारहवा भाव होता है हॉस्पिटलाइज या खर्च का होता है तो खर्च तो बढ़ेंगे खर्च आपको ज़्यादा बढ़ेंगे और कुछ हॉस्पिटलाइज खर्च आपके घर के किसी सदस्य के कारण हो सकता है आपके घर परिवार में मिथुन राशि के जातक किसी की तबीयत अचानक बिगड़ सकती है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा समय समय पर चिकित्सक सलाह ज़रूर लेना है और गाड़ी वाहन का प्रयोग ज़्यादा ना करें मिथुन राशि के जातक और बात करें अगर हम आपके लिए यहाँ पर कैरियर की और ज़्यादा तो देखें कैरियर में नयापन देखने को मिलेगा साथ ही आपके बोस आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनका सपोर्ट मिलेगा आज के दिन मिथुन राशि के जातक और चौथी बड़ी खुशखबरी आपको प्रमोशन के रूप में हो सकता है प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं किसी विदेशी कंपनी से जुड़ने का मौका मिलेगा मिथुन राशि के जातक और किसी मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर आ सकता है जॉब के लिए आपके स्टाफ के लोगों का सहयोग हो प्राप्त होगा लेकिन सबके साथ तालमेल बेहतर बना के चलें तो बढ़िया रहेगा मिथुन राशि के जातक आज माता रानी का छठवां दिन है वो माता रानी का चौथा दिन है सॉरी यहाँ पर चौथा दिन है तो चौथे दिन के यानी कि काफ़ी ज़्यादा माँ की सेवा और पूजा आराधना करें और माँ दुर्गा की पूजा आराधना करके दिन की शुरुआत करेंगे तो मिथुन राश के जातक आपके सारे विघ्न बाधाएँ कष्ट दूर होंगे और आप जरूर माता जी को कुछ ना कुछ अर्पित करें लाल फूल लाल पुष्प अर्पित करें और आप अनार जैसे कि लाल फल होता है ये अर्पित करें और प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करें और आज यानी कि कन्याओं को भी कुछ भोजन ज़रूर खिला सकते हैं यथा योग्य आप मिथुन राशि के जातक खिलाएँ और कुछ दान दक्षिणा जरूर करें यानी कि दान में आप एक ग्यारह रुपये इक्कीस रुपये ज़रूर दान करें प्रत्येक कन्याओं को खिलाएं इससे आपको आशीर्वाद मिलेगा और पूरा साल आपके साथ बेहतर रहेगा तो मिथुन राशि के जातक धर्म कर्म के कार्य भी करते नजर आएंगे कुछ धार्मिक कार्यों का आयोजन हो सकता है जैसे कन्याओं वगैरह को भोजन या माता जी के शिवा में भी आज आपका मन ज़्यादा लगेगा तो मिथुन राशि के जातक बिजनेस व्यापार में इम्पोर्टेंट डील फाइनल हो सकती है और इम्पोर्टेंट डील जो काफ़ी समय से रुकी हुई थी मिथुन रास के जातक ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है मिथुन रास के जातक साझेदारी में किया गया बिजनेस व्यापार आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है कई तरह की उपलब्धियों से भरा रहने वाला है कई तरह के लाभ आपको देने वाला है और ये लाभ आपके बिजनेस व्यापार में और तरक्की करेगा और विस्तार करेगा और ज़्यादा लाभकारी रहेगा साझेदारी में किया गया बिजनेस भी अच्छा रहेगा और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे मिथुन राशि के जातक ज्यादा से ज्यादा आपका मन लगेगा आपका काम धंधे पे ज़्यादा मन लगेगा और पूरी तरह से काम धंधे के प्रति समर्पित हैं दोस्तों का सहयोग मिलेगा दोस्तों के साथ कुछ काम धंधे कर सकते हैं नए काम की शुरुआत कर सकते हैं मिथुन राशि के जातक आज के दिन तो आज के दिन मिथुन राशि के जातक चार बड़ी खुशखबरी के साथ बेहद अच्छा दिन है आपका करियर सब बढ़ रहा है आपके बिजनेस व्यापार में धन लाभ के योग बन रहे हैं घरेलू जीवन अच्छा है पारिवारिक जीवन भी अच्छा है और अविवाहित जातक के विवाह तय हो सकते हैं उनके रिश्ते तय नए आ सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा तो मिथुन राशि के जातक आज आपका शुभ रंग रहेगा बैगनी कलर और आपका भाग साथ निभा रहा है 89 नाइन परसेंट तो दोस्तों जाते थे वीडियो को लाइक जरूर करिए नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए जय शनिदेव